अकबर और बीरबल की एक कहानी है। अकबर राजा हम लोगों ने सुना है, अकबर और बीरबल के बारे में हम लोगों ने सबने सुना होगा। तो एक बार क्या हुआ, अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और महल में बैठे हुए राजदरबार लगा हुआ था और सारे के सारे लोग आ रहे थे। राजदरबार चल रहा था जैसे नॉर्मल उनका चलता था। तो अकबर को जब कुछ कहने लगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही अपनी तलवार निकाली तो उनका उल्टा हाथ तो जा वो कट गया, राइट। वो तलवार उल्टे हाथ पे लगी और उनका उल्टा उल्टा हाथ कट गया। अब जैसे उल्टा हाथ कटा खून निकलने लगा। अब जैसे ही खून निकलने लगा चोट लग गई, सारे जो दरबारी थे मंत्री मंत्री सब उनके पास आए, वैद्य था वो पट्टी वट्टी करने लगा। सारे कह रहे थे कि सर कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो सारे आप लोग समझ सकते हैं किसी को चोट लग जाए अपने घर में तो आप कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, हम सब भागने लग जाते हैं उनके पास उसको टेक केयर करने के लिए, राइट। तो सारे के सारे यही कर रहे थे। बीरबल दूर खड़े थे, बीरबल नहीं आया अकबर के पास। तो अकबर ने बीरबल को देखा और उन्होंने देखा, भाई बीरबल तुम मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे। तो बीरबल ने कहा, मालिक जो होता है अच्छा होता है। अब आप पहले मुझे एक बात कहो, अकबर की बात कर रहा हूं मैं, अकबर। और दूसरी बात, अकबर राजा और उनका हाथ कट गया और आप उनको बोलो अच्छा हुआ, क्या होगा आपके साथ मुझे बताओ जरा। आपके घर में किसी को चोट लग जाए और आप उसे बोलो अच्छा हो गया, तो वो क्या करता है आपके साथ वो आपको मारने लग जाएगा, वो आपको डांटने लग जाएगा, ऐसे ही होता है ना। अब यही ऑब्वियसली फिर क्या, तो गुस्सा आएगा किसी को, वो आपको मारेगा, लड़ाई हो जाएगी। और उधर अकबर राजा को बीरबल ने बोल दिया अच्छा हुआ, ओ तेरी, बस आप समझो फिर क्या हुआ। अब अकबर को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। अब जैसे ही अकबर को गुस्सा आया उन्होंने कहा, ये बीरबल को जेल में बंद कर दिया जाए, इसको ये मेरी चोट लग गई है और ये कह रहा अच्छा हो गया, इसको जेल में बंद कर दो। अब बीरबल को सैनिक आए, बीरबल को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। अब जैसे ही जी बंद कर दिया बीरबल बेचारा जेल में। अब अगले दिन अकबर उठे अपने खटेक, खटेक पता है आप लोगों को क्या होता है, खटेक खटेक होता है शिकार करने जाना, राइट। तो शिकार करने के लिए चले गए अकबर उसके, अब उनके साथ उनकी थोड़ी सी सेना थी। अब वो जंगल में जा रहे थे, जंगल में एक हिरण का शिकार करते 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 वो जंगल के बीच में पहुंच गए। और जंगल के बीच में पहुंच गए वहां पे ट्राइब्स थे, ट्राइबल्स जानते हैं ना आप लोग, ट्राइबल्स, राइट। तो हाँ वो लोग थे और उन्होंने राजा अकबर को पकड़ लिया। और जैसे ही राजा अकबर को पकड़ लिया और बोला कि भैया आज तो हम इसकी बलि देंगे, राजा अकबर की बलि देंगे। अब राजा के पास उस वक्त सैनिक कम थे अकबर के पास, वो पता तो था नहीं उन्हें, वो बहुत कम सैनिकों के साथ गए थे। ट्राइबल्स ने सबको मारा और राजा को बंदी बना लिया अकबर को। अब बोला गया कि इसको जो है इनकी बलि दी जाएगी, बलि दी जाएगी। अब बलि दी जाएगी इसलिए तैयारी करनी शुरू कर दी, भाई बलि दी जाएगी जब अकबर की। और जब अकबर की बलि देने की बात हुई, अब अकबर सोच रहे कि यार मैं क्या करूं, बट उनके पास ऑप्शन तो कोई था नहीं, वो तो जेल को उनको पकड़ रखा था। अब बलि का टाइम आ गया। अब जैसे ही बलि देने लगे तो देखा कि उनका उल्टा हाथ कटा हुआ है। अब जैसे ही देखा भी उल्टा हाथ कटा हुआ है, बलि का नियम होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपंग हो या उसको चोट लगी हो उसकी बलि नहीं दी जाती। तो जैसे ही उन्होंने देखा, ट्राइबल्स ने देखा कि राजा का हाथ कटा हुआ है, अकबर का हाथ कटा हुआ है उल्टा, उन्होंने कहा यार शिट, इनकी तो बलि दे ही नहीं सकते हम, इनका तो हाथ कटा हुआ है ऑलरेडी, इनकी बलि नहीं दे सकते, इनको छोड़ दिया जाए। अकबर को छोड़ दिया गया। अब जैसे ही अकबर को छोड़ दिया गया, अकबर आए अपने महल में आ गए। अब जैसे ही महल में आए बड़े खुश, उन्होंने कहा यार थैंक गॉड मेरी जिंदगी बच गई आज। उन्होंने कहा यार बीरबल ने कहा था कि यार जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यार बीरबल को थैंक्स करना चाहिए मुझे, उसने कल जो कहा था ऐसे ही नहीं कहा था, ये सही कहा था। उसने सैनिकों को बोला बीरबल को लेके आओ। अब बीरबल को लेके आया गया, राजा अकबर बड़े खुश थे। उन्होंने कहा बीरबल थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार, मैं नहीं समझ पाया कि कल जब तुमने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैंने तुम्हें जेल में भिजवा दिया, राइट, और आज मुझे रियलाइज हो रहा है, आज मेरे को पता चल रहा है कि जो कल हुआ था मेरे साथ वो अच्छे के लिए ही हुआ, तो इसलिए थैंक यू सो मच। बीरबल ने कहा प्रभु मैं तो पहले ही बोल रहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। और अकबर ने कहा बीरबल बट मुझे एक बात समझ नहीं आई। बीरबल ने पूछा बोलो प्रभु क्या समझ नहीं आया आपको। उन्होंने कहा मेरे लिए तो अच्छा के लिए हो गया कि भाई मैं तो मेरा हाथ कटा हुआ था तो मेरी बलि नहीं दी गई, ये मेरे लिए तो अच्छा हो गया, बट तेरे लिए क्या अच्छा हुआ,
तो जेल में था रात को, तू तो पूरी रात जेल में रहा है ना, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? बीरबल ने कहा प्रभु मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ। अकबर ने कहा पर तेरे लिए अच्छा क्या हुआ, तू तो रात को जेल में रह के आया। उसने कहा प्रभु एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ खटैक यानी कि शिकार पे जाता, शिकार पे मैं भी आपके साथ जाता और मैं भी पकड़ा जाता। अब आपका तो हाथ कटा हुआ था तो आपको तो वो छोड़ देते, बट मैं तो सही सलामत था, मेरी बलि जरूर दी जाती। तो जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। और देन